मुझे बहुत नींद आ रही है, पूरी रात जागी हूँ, पढ़ रही थी सारी रात। तू जाके उसे ले आना, मेरा सुबह जरूरी पेपर है। दादी तुझे बुला रही है। अम्मा से कह दे मैं नहीं हूँ घर पे, जा शाबाश जा। तूने उठा ही दिया तो पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। मीनू तो सो रही है दादी। अरे ये कौन सा वक्त है सोने का? मुझे लगता है उसकी तबीयत खराब है। आए डॉक्टर साहब, भाई से पहले बहन का मुआयना कर ले, सारे मरीज हो गए हैं इस घर में। मैं चाचा को बुला कर लाता हूँ, तुम इन्हें ऊपर मीनू तक ले जाओ। रोशन मेरी बात तो सुन। रोशन, अरे रोश, इस कमबख्त को अच्छी तरह से पता है कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, फिर भी भाग गया। डॉक्टर साहब आप खुद चले जाएंगे? चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है मुनासिब रहेगा आप साथ चलें। अरे बेटा मेरे तो घुटने मेरा साथ नहीं देते, मैं तुम्हारा साथ क्या दूंगी? तुम डॉक्टर हो, कोई डाकू तो हो नहीं जो मुझे तुमसे कोई खतरा हो। जाओ जाओ शाबाश जी। मीनू उठ जाओ, ऊपर डॉक्टर साहब आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं मिराजदीन को चेक करने आया था, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। रोशन बता रहा था तुम बीमार हो। नहीं मैं तो ठीक हूँ। कोई बुखार बुखार तो नहीं है? नहीं। तुम्हारे कहने से क्यों मानूं? चेक करने दो मुझे। इजाजत है तो चेक कर लूं? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो थर्मामीटर लगा लें। इतना तजुर्बा है मेरा, बगैर थर्मामीटर के चेक कर सकता हूं। पहुंच ही गया हूं तो अब मर के उठूं, मुकद्दर फिर इस दर पे लाए न लाए। सच कह रही हूँ, तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? ठीक। मेरी ऑफर अभी भी मौजूद है, अगर पढ़ाई में कोई इशू हो तो कभी भी आ सकती हो डिस्पेंसरी। चलो सो जाओ दोबारा। तो वो भी मुझसे नाराज हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे आता देखकर चादर के नीचे क्यों छुप गई थी? मैं छुपी नहीं थी, सो रही थी। शायद मेरी आंखों ने धोखा खाया होगा। चलो सो जाओ। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेराजदीन वापस आया?
अभी तक तो नहीं आया, अल्लाह जाने कहाँ रह गया है।